हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या रीजन की वजह से मार्केट में फॉल आया है और इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड था या नहीं था, और ये फॉल को हम हमारे स्ट्रैटेजी में कैप्चर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मार्केट में फॉल क्यों आया। मार्केट में जो फॉल आने का मेजर रीजन था वो ये था कि यूके में आज इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस हमें देखने को मिला है, और सऊदी अरेबिया और बाकी सारी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में टेम्पररी फ्लाइट्स बैन की है। और ये आप लाइन पढ़ सकते हो, ये लाइन की वजह से ज्यादातर पैनिक हुआ मार्केट में। यूके ओवर द न्यू वायरस स्ट्रेन बिलीव टू बी 70% मोर इन्फेक्शियस। सो ये एक लाइन के कारण एक पैनिक सेल ऑफ हमें देखने को मिला मार्केट में। सो आज के दिन में ये एक मेजर रीजन था मार्केट गिरने का, पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ सडन न्यूज ऑफ कोरोना वायरस। इसके अलावा और कोई न्यूज नहीं है कि सारे चैनल पे आपको बोलेंगे मार्केट बहुत हाई पी रेशियो था, हाई वैल्यूएशन था। मार्केट गिरने के बाद ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हायर वैल्यूएशन पे था इसलिए गिर गया। वो एक नॉर्मल बात है, वो कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप मेजर रीजन समझो, ये एक रीजन था। और मैं आपको मेरा एक रीजन बताता हूँ। मैंने मेरे मेंटरिंग वेबिनार्स में एक दो हफ्ते पहले ही बोल दिया था ये कि लास्ट वीक में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि क्रिसमस है, क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एफआईआईज वाले लास्ट के वीक में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फंड थोड़ा विड्रॉ करते हैं मार्केट से, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की वजह से। तो ज्यादातर एफआईआईज क्या करते हैं, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में फंड विड्रॉ करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हमें दिसंबर के एंड में देखने को मिलती है। ये भी एक रीजन हो सकता है मार्केट गिरने का, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई रीजन है, ये दो ही रीजन है। तो एक पैनिक न्यूज आया ये FIS का प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी में हम ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। मैं आपको मेरे ट्रेड्स भी बताऊंगा टेलीग्राम चैनल में जो मैंने ट्रेड्स दिए हैं, और सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे कंटिन्यू देखने से पहले आप ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो मैं अभी फॉल दिखाने वाला हूँ वो ये स्ट्रैटेजी के बेस पर मैंने कैप्चर किया है, और पूरा फॉल मैंने कैप्चर किया है, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, टेलीग्राम चैनल में मैसेजेस के साथ दिखाऊंगा। ये वीडियो आप पहले देखना, उसके बाद ये वाला वीडियो कंटिन्यू करके देखना। सो आई होप आपको VWAP और EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी याद होगा, और मैंने 2 दिन पहले आपको ये स्ट्रैटेजी सिखाया था। बाकी सारे चैनल पे फॉल होने के बाद रीजंस बता रहे हैं, राइट? मैं आपको रीजंस नहीं बता रहा, इनफैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉल कैसे कैप्चर होता है, फॉल कैसे कैप्चर किया जाता है। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये वाला फर्स्ट कैंडल था जो ओपनिंग कैंडल था, ये ओपनिंग कैंडल में मैंने एक पुट सेल दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल में, उसमें भी मैंने प्रॉफिट कमाया है, पुट सेल करके भी मैंने प्रॉफिट कमाया आज, वो भी मैं आपको मेरा ट्रेड दिखाऊंगा। और उसके बाद में आप देखो यहाँ पर ये क्रॉसओवर आपको देखने को मिला, VWAP और EMA का क्रॉसओवर। ये स्ट्रैटेजी मैंने वो वीडियो में पूरा सिखाया है, आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि ऐसा बड़ा मूव आपको कैप्चर कैसे करना है। 12 बजे के आसपास यहाँ पर आपको EMA क्रॉसओवर मिला VWAP के साथ में, और उसके बाद आप देख सकते हो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। निफ्टी में भी अगर आप देखो यहाँ पर 12:30 के आसपास क्रॉसओवर मिला, EMA और VWAP का क्रॉसओवर मिला, और उसके बाद एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। स्टॉक्स भी मैंने जो ट्रेड किए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने भारतीय एयरटेल सेल दिया था टेलीग्राम चैनल में 509 में, तो मेरा जो प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप है उसमें मैंने सेल दिया था, वो भी मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। बट क्यों दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर क्रॉसओवर, और इसका 4 आवरली चार्ट पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन भी थे, इसके कारण मैंने इसको शॉर्ट किया था 509 पे। जुबिलेंट फूड भी मैंने सेल दिया था 2782 पे, मैंने सेल दिया था, ये 100 रुपया गिरा है मेरे सेल लेवल से। जिंदाल स्टील भी मैंने सेल दिया था 270 पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। BML भी मैंने, लेकिन BML में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, सो एक स्टॉप लॉस हुआ है, 3 में अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोगों ने पूरा रैली कैप्चर किया है। पहले मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ट्रेड्स दिखाता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो ये आज मॉर्निंग का मैसेज है, 9:42 AM को मैंने 30,200 का पुट सेल दिया था 255 में, 285 का स्टॉप लॉस था, 220 का पहला टारगेट था, 170 का दूसरा टारगेट था, और 120 का तीसरा टारगेट था। 30,200 का पुट मैंने सेल दिया था 255 में सुबह 9:40 को, ये 21 दिसंबर का 9:15 का कैंडल है, और ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसमें मैंने सेल दिया था 255 में। उसके बाद ये पुट ने लो बनाया 140 का, मेरा 220 का टारगेट था और 170 का टारगेट था, मेरे 2 टारगेट अचीव हुए हैं। उसके बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है ये पुट में 165 में, और उसके बाद ये पुट भागा है। तो मैंने पुट सेल करके भी प्रॉफिट कमाया है मॉर्निंग में ही सुबह 9:30 बजे आज। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने जुबिलेंट फूड सेल दिया था 2782 पे, 2800 का स्टॉप लॉस था, इसमें भी काफी अच्छा पैसा आया। भारतीय एयरटेल सेल दिया था प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप में, ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है,
भारतीय एयरटेल 509 में सेल दिया था, 513 का स्टॉप लॉस था, इसमें भी दोनों टारगेट अचीव हुआ है, 490 का लो बनाया इसने। और जिंदाल स्टील मैंने सेल दिया था 272 पे, आप देख सकते हो 275 का स्टॉप लॉस दिया था, इसमें भी दोनों टारगेट अचीव हुए हैं और 250 का लो बनाया इसने। सो काफी अच्छा पैसा बनाया आज ट्रेडिंग में। और मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताया, जो मैंने आपको वीवैप वाला स्ट्रैटेजी सिखाया वीडियो में, ज्यादातर ट्रेड उसमें से वीवैप वाली स्ट्रैटेजी के बेस पे किए थे और कुछ लॉजिक थे डेली चार्ट और आवर्ली चार्ट के पैटर्न्स के बेस पे। सो मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा इंट्राडे में पैसा बनाया। आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर फॉल होने के बाद रीजन ढूंढते हो, उससे बेटर है कि आप पहले ट्रेड पे ध्यान दो, रीजन आप 3.5 दिन के बाद में ढूंढ लेना वो भी चलेगा। मैं आपको वीडियो में कोई कहानियां नहीं सुना रहा कि हाई वैल्यूएशन है, पी रेशियो इतना हो गया वगैरह वगैरह, नहीं, मैंने आपको जनरली एक स्ट्रैटेजी सिखाया और ये स्ट्रैटेजी के बेस पे आज आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपने प्रॉपरली ट्रेड किया तो आपने पूरा फॉल कैप्चर किया होगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है मैंने मेरे एल्गो सिस्टम में डाला हुआ है, तो ये एल्गो में ट्रेड हुआ है इसीलिए मैंने पूरा रैली कैप्चर किया है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो इतना फॉल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने भी इतना फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैंने एल्गो में एक सिस्टम बना के रखा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली होता है, सो इसीलिए मैंने पूरा रैली कैप्चर किया, क्योंकि मैंने विदाउट इमोशंस ट्रेड किया है और मैंने प्योर एंड प्योर एल्गो के बेस पे ये सिस्टम में ट्रेड किया है। विदाउट इमोशंस ट्रेडिंग करने का फायदा क्या होता है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोग सीखो, मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज फ्री में सिखा रहा हूँ ताकि आप सीखो और प्रॉफिट कमाओ। इन रिटर्न में सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोज लाइक एंड शेयर करते रहो। आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया, और जितने लोगों ने करंटली मेरा टेक्निकल क्लासेस का कोर्स किया है उन लोगों ने भी काफी अच्छा पैसा बनाया। एक दो ट्रेड जरूर स्टॉप लॉस हुए जैसे BML और क्यूमिंस इंडस्ट्रीज, लेकिन बाकी 4-5 ट्रेड में काफी अच्छा बड़ा पैसा आया है और इंडेक्स में भी काफी अच्छा पैसा आया है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी देख सकते हो, दिस स्ट्रैटेजी गिवन ह्यूज प्रॉफिट्स टुडे। अगर आपको सीरियसली स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है और जेन्युइन नॉलेज सीखना है जिससे प्रैक्टिकली पैसा बनता हो मार्केट में, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं सिखाता, मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। और आप मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो जिन्होंने रिसेंटली टेक्निकल क्लासेस का कोर्स कंप्लीट किया है, आप मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि आज मैं जो सिखा रहा हूँ नेक्स्ट डे आपको मार्केट में अप्लाई करना है। सो मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देता, और सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ में सिखाने के बाद मैं उसको एल्गो में कैसे ट्रेडिंग करना है वो भी सिखाता हूँ। तो आप 24th अक्टूबर का बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बैच चालू होने वाला है, इट विल बी कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज बैच। So if you want to register your seat, you can register your seat by just sending a WhatsApp message on this number and you'll get all the details about the program. अगर आपको हिंदी बैच ज्वाइन करना है 10 जनवरी का हिंदी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरा पूरा प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपको YouTube पे नहीं सिखा सकता। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो मेरे कुछ प्रोप्राइटरी सेटअप्स है, ट्रेड कन्फर्मेशन सेटअप्स है, ये सब कुछ मैं मेरे पेड टेक्निकल क्लासेस प्रोग्राम में सिखाता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो में रीजन भी पता चला होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको ट्रेड पे पहले ध्यान देना है, न्यूज पे बाद में ध्यान देना है, क्योंकि जब तक मार्केट में न्यूज आएगा तब तक मूवमेंट हो चुका होगा। तो आप न्यूज के चक्कर में इतना बड़ा फॉल मिस मत करना, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाया है उस स्ट्रैटेजी को यूज करो, जेन्युइनली उसमें प्रॉफिट बनता है। मेरे जो फ्री लर्निंग वीडियो जो मैंने अपलोड किए ये भी अगर आप देखोगे तो भी आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप ऐसे बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। आई होप आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आप एक ट्रेडर से सीख रहे हो। जो भी मैंने टेलीग्राम चैनल में मैसेजेस दिए ये मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये पास्ट मैसेजेस है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी मैंने ट्रेड दिए मैंने आपको क्लियरली बताया है टेलीग्राम चैनल में, और वही ट्रेड मैंने अभी वीडियो में बताया है। और मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था कि ऐसे ऑप्शंस के ट्रेड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे, और जो है मैंने ओपनली अपना ट्रेड शेयर किया है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो मेरा क्लियर एंड क्लियर मैसेज, ये मैसेज को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता टेलीग्राम चैनल में, जो है ओपनली मैं ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये था मार्केट अपडेट आज के दिन का, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।